लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आने वाला जो त्यौहार है हमारा होली, ये तो मेरे बचपन से एकदम फेवरेट त्यौहार रहा है, क्योंकि बचपन से हम लोग इसे बहुत एंजॉय करके खेलते आए। लेकिन आज हम लोग जो समय में आए हैं, आज इस समय में जो कोरोना का जो संख्या बढ़ रहा है, जो कठिन काल अपने पर आया है, इसके लिए जो आज हमारे आयुक्त बंगर साहब ने जो हम लोगों को कहा है कि जो बंदी लाई है इस पे होली, बैन होली, इसको आप प्लीज़ कोऑर्डिनेट कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए किया है। जो आज ये आंकड़ा जो 600-700 में आ चुका है, ये 1000 में भी जा सकता है, अगर हम लोग सोसाइटी गैदरिंग करेंगे, होली खेलेंगे। तो हम लोग हर बार हम लोग है ना सेफ वाटर बोल के एक लोगों के साथ में हम लोग आज काम करते थे, इस बार हम लोगों को से नो टू होली करके करना है। ये हमारे खुद के सेफ्टी के लिए है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि होली को एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन बाहर अपने अपने जो फैमिली में अगर आप होली खेल सकते, एक दूसरे को कलर लगा के आप होली कर सकते हैं, लेकिन बिना कारण बाहर जाके गर्दी करके होली मत खेलिएगा। और जो हम लोग धूलि वंदन जो करते हैं सोसाइटी में, वो भी बैन किया है। ये सब हमारे लिए किए हैं, तो इसके लिए उस हम लोगों को महानगर पालिका का साथ देना है, क्योंकि अगर हम साथ देंगे तभी वो आंकड़ा कम होने वाला है। तो आप सभी को हमें प्रभा क्रमांक 84 में सब नागरिकों को मैं होली का ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगी और धूलि वंदन की ढेर सारी शुभकामनाएँ।